हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ डॉक्टर बलवीन सिंह जुड़ चुके हैं, एमबीबीएस भी हैं, एमजी भी हैं आप डॉक्टर साहब, और आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ खास लाइव जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूयॉर्क का जिक्र होता है, अमेरिका का जिक्र होता है, तो लगातार भारत में डराने वाली खबरें अमेरिका और न्यूयॉर्क से आ रही हैं। डॉक्टर परवीन, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वो लोग जो लॉकडाउन में इस वक्त घर में हैं और घर में है इस डर से अगले कई दिनों तक घर में रहना पड़ेगा, उस डर से कैसे जीत हासिल की जाए, उस डर से कैसे खुद को बाहर निकाला जाए, ये बहुत स्कैरी होता जा रहा है लोगों के लिए। जी हाय, मैं डॉक्टर बीबा सिंह, बलवीन बीबा सिंह हूँ। एंड जी, ये जो डर है, आई अंडरस्टैंड के लोग डर रहे हैं, लेकिन ये डर बहुत अच्छी चीज के वजह के लिए है। अब हम न्यूयॉर्क में है और अगर लॉकडाउन हमारा इससे जल्दी होता तो कितना अच्छा रहता हमारी कंट्री के लिए। अब कितनी मुसीबत आ रही है बिकॉज लॉकडाउन जल्दी उन्होंने नहीं किया और कितनी लोगों को सफर करना पड़ रहा है। तो मतलब अब उल्टा हो गया कि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गई और लोग अब और बीमार पड़ रहे हैं और डेथ्स हो रही हैं। डॉक्टर बलवीन, मेरा सवाल आपसे ये है कि अमेरिका से हम इंडिया को अगर कंपेयर करें तो आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में हमारी तारीफ की गई है, जिस तरीके के कदम इंडिया में उठाए गए, समय रहते यहाँ लॉकडाउन कर दिया गया, पर अमेरिका में जब सिचुएशन पूरी तरीके से वर्स हो चुकी है, खराब हो चुकी है, अब वहां पर तैयारियां हो रही है उस तरीके की जैसे पहले होनी चाहिए। जी, आई एब्सोल्युटली अग्री। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ जब मैं इंडिया की देखती हूँ प्रोग्रेस, जो इंडिया में कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज यू नो यहाँ पे उन्होंने वो स्टेप्स बहुत लेट लिए। मैं एक्चुअली इंडिया में ही थी मार्च की शुरुआत में, और जब मैंने इंडिया को देखा कि वो इतने स्टेप्स 13th मार्च तक जब मैं वापस आई, मैंने देखा कि यूएस ने भी वो स्टेप्स नहीं लिए थे अभी तक, और उसी वजह से हम अब सफर कर रहे हैं और उसी वजह से इंडिया जो है हमारे आगे है इस मामले में। और मुझे ये बहुत खुशी मिल रही है कि इंडिया में ने इतनी तरक्की की है इस मामले में। डॉक्टर बलवीन, एक सवाल है आपका, जो लॉकडाउन में लोग हैं तो अपने घरों में हैं और घरों में रहने के दौरान एक खास तरह के अवसाद से, खास तरह की बीमारियों से घिर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है इतने दिनों तक लगातार घर में कमरों के भीतर कैद रहने की, तो ये समस्या जो एकाकीपन से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्या 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 सलाह देंगी आप ऐसे लोगों को अकेले में घर परिवार के साथ, वो किस तरह से जेल हो ताकि उनको इस तरह की नई समस्याएं जिनसे वो घिर रहे हैं उनका सामना ना करना पड़े? देखो, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम इस टाइम में फंसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है। देखो, बाहर जाने से तो बेटर है ना कि घर में आप रहो। बाहर तो लोग मर रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, मतलब मुसीबत आ रही है। आई अंडरस्टैंड कि अंदर रहने में बहुत उदासी होती है, लोनलीनेस होती है, डिप्रेशन भी आती है, एंजाइटी भी होती है, लेकिन मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि वन थिंग जो मैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप चाहे लॉकडाउन में हो, आप एक रूटीन रखो आपके खाने पीने की, लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आपके एक्सरसाइज की, आपके सोने की। चाहे आप घर में एक्सरसाइज करो, बहुत सारे यहाँ आजकल फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पे, या फिर आप घर में वॉकिंग कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को हेल्प कर रही हैं, यू नो, फ्रॉम होम। सो देयर सो मेनी थिंग्स। आप जो आपकी हॉबीज हैं, कई लोगों को खाने बनाने का बहुत शौक है, कई लोगों को गाने का शौक है, कई लोगों को लिखने का शौक है, आप इस टाइम को एक एज अ ब्लेसिंग देखो। आप इसको मतलब एक पॉजिटिव लाइफ में लो कि जो हमें कभी भी मौका नहीं मिलता ऐसे घर बैठने के लिए, कोई भी इतना देर घर में नहीं बैठता, तो अभी ये हमारा टाइम है, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, यू नो, जो चीजें आप आम नहीं कर सकते उसको करो और पॉजिटिवली देखो। हर चुनौती एक मौके की तलाश में रहती है, उस मौके में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यही जिंदगी है। डॉक्टर बलवीन, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल बलवीन जी ये है कि आप अमेरिका में भी, क्योंकि इस वक्त तो आप अमेरिका में ही हैं, और आपने खुद कहा कि मार्च तक आप यहां भारत में थी, मैं ये चाहती हूं कि वो गलतफहमियां जिनमें अमेरिका रहा, वो गलतियां जो अमेरिका ने की, हम वो कौन सी गलत फहमियां और गलतियां हैं जो ना करें, हम चाहते हैं कि हम वहां की गलतियों से सीख जाएं, हम ना करें, मैं चाहती हूँ गलत फहमी और वो गलतियां आप विस्तार से बताएं अमेरिका की। जो जो एक्चुअली इंडिया में, जो अमेरिका में है कि लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं इसको।
अभी भी न्यूयॉर्क में इतनी डेथ्स हो रही है, इतने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, फिर भी अगर आप देखो तो कई जगह पे आप देख सकते हो कि 3-4 लोग खड़े हैं साइड में बातें कर रहे हैं और उनको अभी तक भी समझ नहीं आ रही कि ये कितनी सीरियस बात है। और यहाँ पे क्या है कि हाँ पुलिस बोलती है कि आप जाओ आप मास्क डालो, बट यहाँ पे सख्ती नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसा लॉ नहीं है कि उनको जेल में डालो या उनको प्रॉब्लम दो, तो पीपल आर नॉट टेकिंग इट एज सीरियसली। इंडिया में हाँ ये जरूर है कि ऑब्वियसली पुलिस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है या फोर्सफुली आपको ऑर्डर घर में जाना पड़ता है, बट आई रियली थिंक कि ये हमारी बेटरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है। सो ये जो सैनिटेशन ड्राइव्स होने वाले हैं इंडिया में, जो मतलब ये लॉकडाउन की सब मतलब है सब कुछ, ये चीज एक्चुअली बहुत अच्छी है इंडिया के लिए। आप सब बहुत लकी हो कि ये आपकी गवर्नमेंट कर रही है, जो हमारी गवर्नमेंट में नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई हैं और इनकी बातों से इतना साफ है कि डॉक्टर का साफ तौर पर मानना है कि भारत पे वो सारे कदम टाइमली उठा लिए गए हैं जो अमेरिका अब तक नहीं उठा पाया। यही वजह है प्रतिमा कि भारत में करीब 7-8 हजार अमेरिकी हैं और उनको अब भारत ज्यादा सुरक्षित लग रहा है, वो वापस नहीं जाना चाहते।